नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। कोरोना महामारी की वजह से करीब 2 महीने तक सब कुछ बंद रहा और अब जब अनलॉक की स्थिति है तो महंगाई आम आदमी को परेशान कर रही है। खास तौर पर पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 15 दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं। अब इस पूरे ही मसले पर सियासत हो रही है। पिछले 15 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। रविवार को पेट्रोल के दाम 36 पैसे और डीजल के दाम 58 पैसे प्रति लीटर बढ़े। पेट्रोल अब 86.82 रुपए प्रति लीटर और डीजल 77.78 रुपए हो गया है। राजधानी भोपाल में पेट्रोल की कीमतों में करीब 12% और डीजल के दामों में करीब 13% का इजाफा हुआ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल नहीं रहा और उससे ज्यादा सेफ्टी के लिए तो अपनी गाड़ी यूज कर रहे हैं। गाड़ी यूज करते हुए भी यहाँ पे पेट्रोल पंप पे जब मॉर्निंग में पहुँचते हैं तो भाई कल कुछ रेट था, आज कुछ रेट है और इसके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। किसको कहें सर, रोजगार है नहीं। सरकार से यही मांग है कि अभी तो जैसी परिस्थितियाँ हैं उस हिसाब से आदमी ऐसे ही परेशान है, तो उस कंडीशन में ऐसा करना चाहिए कि पेट्रोल के दाम ना बढ़ा के कुछ समय तक ना बढ़ाएं, उसके बाद फिर जब थोड़ी परिस्थिति सही होती है, थोड़ी सुधार होता है, उसके बाद बढ़ाएं तो आम नागरिक को उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ऐसे आदमी पहले से ही मेंटली परेशान है। आम आदमी महंगाई से परेशान है, ऐसे में कांग्रेस ने इस मसले को भुनाने की तैयारी की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। कमलनाथ ने लिखा कि कोरोना महामारी के दौर में पेट्रोल डीजल की कीमतों ने जनता को परेशान कर दिया है। विपक्ष में मूल्य वृद्धि पर विरोध में साइकिल चलाने वाले आज मौन होकर गायब है। यदि पेट्रोल डीजल के करों में कमी नहीं की गई तो कांग्रेस प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी। हालांकि बीजेपी की इस मसले पर अपनी दलील है। परिस्थिति अभी देश की इस तरह की है, कोरोना के कारण से सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं, हर वर्ग प्रभावित हो रहा है, पर जल्दी ही हम इससे उबर आए। लगातार 15 दिनों में डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं और आज भोपाल में 86 रुपये के आसपास हो गया है, जबकि क्रूड ऑयल का रेट पूरी दुनिया के अंदर आधा हो गया है। ये 16 रुपये होना चाहिए आज डीजल पेट्रोल के रेट, वो 86 हो रहा है, 87 के ऊपर है सर। और ये सरकार पूरी तरह से लोगों की जेब काट रही है, क्योंकि कोरोना से लोग पीड़ित हैं, लोगों के काम धंधे बंद हो गए हैं, लोगों के रोजगार चले गए हैं, मजदूर के पास मजदूरी नहीं है। और उस समय जबकि लोगों को पैसा दिया जाना चाहिए, उनकी जेब से पैसा निकालना चाहता, ये पूरी तरह गलत। और ये जो रेट बढ़े हैं 86, 87, 88 जो भी हो रहा है, ये वापस लगे। सवाल ये है कि लॉकडाउन के दौरान जब कच्चे तेल के दाम गिर चुके थे तब भी देश में पेट्रोल डीजल के दामों में कमी नहीं की गई और अब जब अनलॉक हुआ है तो आखिरकार दाम क्यों बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिरकार कोरोना संकट के बीच आपको राहत क्यों नहीं मिल पा रही है, तो कुछ पॉइंट्स हम आपको बताने जा रहे हैं जिसके जरिए आप ये समझ पाएंगे। बहुत ध्यान से देखिए, मार्च में सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी जो है उसको लेकर फैसला लिया। एक्साइज ड्यूटी में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया। तेल कंपनियों ने इसे ग्राहकों पर पास ऑन नहीं किया। लॉकडाउन में ढील के बाद अचानक से पेट्रोल डीजल की डिमांड बढ़ गई। रुपए में गिरावट से भी तेल कंपनियों की चिंता बढ़ी। लॉकडाउन के बीच तेल कंपनियों को नुकसान हुआ और अब वो भरपाई की कोशिश कर रही है। कच्चे तेल के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। 21 अप्रैल को जो क्रूड ऑयल $17.51 प्रति बैरल था वो बढ़कर अब $38.34 पर आ गया है। क्रूड ऑयल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। 2 महीने से भी कम समय में 100% से ज्यादा इसमें तेजी आई है। लॉकडाउन की वजह से सरकार का खजाना भी खाली है और आर्थिक संकट सामने है। पेट्रोल डीजल ही एकमात्र ऐसा सोर्स है जहां से अच्छा खासा राजस्व इकट्ठा किया जा सकता है। जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में लॉकडाउन की वजह से भारी गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल में सेंट्रल जीएसटी कलेक्शन की अगर हम बात करें तो ये भी बढ़ा है। चलिए इसी खबर पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ धैर्यवर्धन शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ योगेश यादव जी जुड़े हुए हैं।
चले सीधे हम रुक कर लेते हैं, आप दोनों का ही बंसल न्यूज पर बहुत स्वागत है। योगेश यादव जी, सबसे पहले आप ही के पास आ रही हूँ। लगातार दामों में बढ़ोतरी हो रही है और सीधे सीधे इससे आम जनता प्रभावित हो रही है, आपकी तरफ से आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। देखिए, बड़े देश के अंदर भयावह और विचित्र स्थिति का देश सामना करना पड़ रहा है। पहली बात तो ये, अव्वल मैं ये कहना चाहूंगा कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज घोषित किया है, अब तकनीकी और वैज्ञानिक आधार पर ये नरेंद्र मोदी जी जाने या सीतारमण जी जाने कि वो कहना क्या चाहते थे और करना क्या चाहते। मैं तो बुनियादी बातें कर रहा हूँ। आज कितना बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कि पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम सामान्यता दोनों बराबरी पर आ गए। इसका मतलब आप जानते हैं, डीजल कामगारों की एक रोजगार का साधन था। डीजल का मतलब यह था कि लोडिंग मेटाडोर, मिनी मेटाडोर, उसके बाद ट्रक है, ट्रांसपोर्ट ऑटो है, लगेज के लिए जिनका प्रयोग किया जाता था। तो हमारे देश का वेजेस, मजदूरी, हमारे देश का मजदूरी का रोजगार पूरा का पूरा इस ट्रांसपोर्ट पर निर्भर करता था। अब चूंकि ट्रांसपोर्ट का मूल्य ही आपने बढ़ा दिया, तो इस पर संपूर्ण महंगाई का इस पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात मैं कहता हूं कि देश आज, सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। अब देश पेट्रोल का उपयोग कर रहा है, लोग अपनी मोटरबाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, दोहरी मार पड़ रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद पड़ा हुआ। तो ये क्या गला घोटना चाहती है सरकार, इंसान को मार डालना चाहती है। मनमोहन सिंह सरकार के समय मात्र 51-52 रुपए पर इन्होंने तहलका मचा दिया था। मैं क्षमा सहित कहूंगा अरुण जेटली जी जो दिवंगत हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, किस तरीके के बयान दिए गए थे, आप पुराने वीडियो निकाल कर देखिए, आप इनको ईरानी जी को देखिएगा, किस तरीके से ईरानी जी ने उस समय कहा था कि हमें जनता के बीच आना है। उस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज्यादा थे, उसके बाद भी मनमोहन सिंह सरकार में धर्मवर्धन जी कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं उससे जो उसकी सप्लीमेंट्री सेवाएं हैं वो भी प्रभावित होती हैं सीधे तौर पर। तो ये तो दोहरी मार हो गई आम जनता पे। आप लोग गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं जनता की। देखिए, क्या कांग्रेस ये कहेगी कि जो वाहन बंद किए गए थे उनको क्या चालू रखना चाहिए था? क्या सार्वजनिक वाहनों को खुला कर देना चाहिए था? सर, मैं पेट्रोल डीजल पर आपसे रिएक्शन मांग रही हूँ। जनता के लिए खोल, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोल दें। उन्होंने ये कहा कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रखे हुए हैं तो लोग अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो सीधे तौर पर वो प्रभावित होंगे, उनका बजट बिगड़ेगा। रोमिता जी, आपने संस्कृत की एक कहावत सुनी होगी कि विपत्ति काले मर्यादा नास्ती, ये आपातकाल है, ये विपत्ति काल है, यहाँ ज्यादा किंतु परंतु से काम नहीं चलने वाला। यहाँ जो हालात है वो किसी ने जानबूझ करके नहीं बनाए, यहाँ प्राण बचाने का संकट उत्पन्न हो गया था देश में, तब इस स्थिति में आना पड़ा। अब यदि बसें बंद होंगी, सार्वजनिक वाहन बंद होंगे, तो स्वाभाविक तौर पर लोग निजी वाहन का प्रयोग करेंगे और सरकार के पास इनकम का कोई साधन नहीं है, लोग खरीदारी नहीं कर रहे थे तो टैक्स नहीं पहुंच रहा था, किसी प्रकार के उद्योग धंधे चल नहीं रहे थे वो टैक्स नहीं पहुंच रहा था, समय पर तनख्वाह देना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार ने खजाना खोल दिया था गरीबों के लिए, लोग कह रहे हैं कि इनको गणित समझना, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सीतारमण जी क्या कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको ये गणित समझ में नहीं आया कि 9 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए की सम्मान निधि जो दी गई उसमें 4,000 रुपए अभी दे दिया गया? क्या आपको नहीं मालूम है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल सके? इसके लिए केंद्र सरकार ने सारे राज्यों को वो खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया। क्या हमको ये नहीं मालूम कि 33 करोड़ जनधन खातों में 500 रुपए प्रतिमाह गरीब महिलाओं के खाते में पैसा डाला गया है? क्या हमको नहीं मालूम कि पेंशन भी एक मुश्त 2-3 ठीक है? धर्मवर्धन जी, सीधे तौर पे जितना मैं समझ पाई हूँ आपकी बात से, आपका ये कहना है कि आपको क्योंकि इतने सारे काम करने, वेतन देना है और भी जो चीजें आप गिनवा रहे हैं वो सब करने के लिए आप जनता के ऊपर बोझ बढ़ाने जा रहे हैं और अपना राजस्व कलेक्ट करने जा रहे हैं, सीधे तौर पर यही बात आप कह रहे हैं। चर्चा पे मैं वापस लौटूंगी, लेकिन इस बीच कुछ न्यूज पॉइंट है जो आपको देखने चाहिए। जिस कीमत पर तेल खरीदा जाता है उसमें 50% से ज्यादा टैक्स लगा होता है। डीलर्स को पेट्रोल और डीजल बहुत कम कीमतों पर मिलता है। केंद्र सरकार के सेंट्रल एक्साइज, राज्यों के वेट और डीलर कमीशन के बाद कीमत दुगनी हो जाती है। 5 साल में सरकार का पेट्रोलियम से राजस्व बढ़कर दुगने से ज्यादा हो गया है। 2019-20 में कच्चे तेल की औसत कीमत
60.47 डॉलर प्रति बैरल थी। सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी से 2.23 लाख करोड़ रुपए कमाए, जो सीधे सीधे तौर पर ये बताता है कि जो कलेक्शन हुआ है वो दुगना है। और ये पॉइंट्स काफी महत्वपूर्ण है, जो अक्सर इन बढ़े हुए दामों के बाद राजस्व कलेक्ट होता है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे जुड़े हुए हैं। यानी कि सीधे तौर पर इसका जो बोझ है वो तो जनता पर पड़ रहा है। एक बार फिर से हम चर्चा पर लौट रहे हैं। धैर्यवर्धन जी, मुझे लगता है कि न्यूज़ पॉइंट्स को आप भी बहुत बेहतर तरीके से समझे होंगे, और इससे तो यही बात निकल कर सामने आती है कि जनता तो टैक्स भर भर कर ही परेशान है। 50% वो तो टैक्स ही भर रही है, और आप ये गिना रहे हैं कि क्योंकि आपको इतने सारे काम करने हैं तो आपकी तो ये मजबूरी है। नहीं रोमिता, ये मुझे बताइए, अगर इनकमिंग बंद हो जाएगी तो आउटगोइंग कैसे चलेगी? पैसा कहीं ना कहीं से तो कलेक्ट करना ही होगा। अन्य प्रकार के संसाधन जब ठप हैं और देश की रफ्तार को बढ़ाया जा रहा है तो पैसा तो कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा। और लोग दान दाता हैं, लोग टैक्स देते हैं, लोगों के उपकार के बदले जी कैसी बातें कर रहे हैं कर्मचारियों की। आप ये कह रहे हैं सीधे तौर पर कि आपके पास और कोई चारा नहीं है। धैर्यवर्धन जी, आप ये कह रहे हैं कि आपके पास और कोई चारा नहीं है, इसलिए आप सीधे तौर पर जनता की जेब से पैसा निकलवाएंगे और दूसरों में बांटेंगे। योगेश यादव जी, जुटाने पड़ेंगे। जी योगेश जी, अपनी बात रखिए। देखिए नोमिता जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार का अर्थशास्त्र समझ में नहीं आता। ये कौन सा अर्थशास्त्र लेकर बैठते हैं, या इनके वहां कौन से बुद्धिमान अर्थशास्त्री हैं? ये 2-5 हजार की सब्सिडी की बात करते हैं, 200 रुपया डाल दिया, 500 रुपया डाल दिया, किसानों में 4 हजार डाल दिया। अरे भाई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखे, इटली, पाकिस्तान, श्रीलंका, ईरान, इराक और अमेरिकन देश, यूरोपियन कंट्रीज में जो पेट्रोल के दाम है वो भारत के दामों से आधा, कई जगह चौथाई, कहीं 18 रुपए, 22 रुपए, 24 रुपए। भाई हम तो आपसे सिर्फ एक शब्द कहते हैं कि आप ये इतनी सारी राहें कदम हम पर ना बरसाइए, आप इतनी सारी राहतें ना बरसाकर सिर्फ एक काम कर दीजिए कि आप 20 या 30 रुपए पेट्रोल या डीजल के भाव कम कर दीजिए। देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भाव कम हो जाएंगे तो हमारा ट्रांसपोर्ट जैसे ही हमारा सस्ता होगा, सब्जियों पर फर्क पड़ेगा, किसानों पर फर्क पड़ेगा, किराना पर फर्क पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग पर फर्क पड़ेगा, जनता की आय बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, सब कुछ तो यहीं पर परिलक्षित करता है। लेकिन महान विद्वान अर्थशास्त्री जो बैठे हैं बड़े बड़े गणित लेकर, इनको ये गणित समझ में नहीं आता कि आज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमत है उसके हिसाब से भारत में कीमत पेट्रोल या डीजल की 30 या 35 रुपए होना चाहिए। आपने टैक्स पर टैक्स कर दिया, एक तरफ तो आप ऑक्सीजन का सिलेंडर देते और छुआ छुआ कर वापस ले जाते, उस तरफ दूसरी तरफ आप जनता का दम घोट रहे, गला घोटते जा रहे हैं और उसको आईसीयू पर लेकर जा रहे हैं। जी, इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। धैर्यवर्धन जी, बात रखें अपने। ये अर्थशास्त्र कौन सा, ये कहाँ का अर्थशास्त्र? 2-500 की सब्सिडी, मुझे लगता है इसका जवाब धैर्यवर्धन जी दे पाएंगे। योगेश यादव जी, सवाल आप खड़े कर रहे हैं। धैर्यवर्धन जी, मैं अपने मित्र से ये पूछना चाहता हूँ कि जिन पड़ोसी देशों के किस्सा आप सुना रहे, क्या उनकी तरह 18 रुपए प्रति लीटर, 28 रुपए प्रति लीटर आपने जनता को दिया था जब आपकी सरकार थी? दूसरी बात, जिन पड़ोसी देशों की बात आप कर रहे हैं, उस पाकिस्तान में पेट्रोल पंप बंद है, आज मीडिया की खबरों को उठा करके देखिए, वो तो लोगों को पेट्रोल भी नहीं दे पा रहे इस काल में, वहां हाहाकार मचा है। बाकी प्रजा कह रही है कि इमरान खान कितनी भी कीमत पे पेट्रोल दे दो, पर दे तो दो, ऐसे हालात भारत में तो नहीं बने। आप तो कमियां निकालने के एक्सपर्ट हो चुके हैं, कांग्रेस के नेता छिद्रान्वेषी हैं, सब जानते हैं किन हालातों में देश की व्यवस्था को कैसे चलाया जा रहा है। पड़ोसी देशों के संकट सर पर है, आर्थिक व्यवस्था पर खतरनाक दौर में पूरी दुनिया की जा रही है, कोरोना के कारण से लोगों का रोजगार कम हो रहा है, लोगों के काम धंधे बंद है, धीरे धीरे जी यही तो सवाल है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, उनके काम धंधे ठप पड़े हैं, कैसे देंगे वो ये तेल की कीमतें? धैर्यवर्धन जी, आप अपने ही तर्क दे रहे हैं और उन सवालों को नहीं समझ पा रहे हैं जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप खुद कबूल रहे हैं बात कि लॉकडाउन के चलते लोगों की नौकरियां गई हैं, उनका काम धंधा ठप पड़ा हुआ है, आर्थिक तौर पे लोग वैसे ही जूझ रहे हैं, और ऊपर से आप तेल के दामों को बढ़ा के उन पे दोहरी मार कर रहे हैं, यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैंने ये शब्द नहीं बोला रोमिता जी की नौकरी गई है, मैंने कहा कि आपने कहा रोजगार गया है, नौकरियां खतरे में, क्योंकि अगर उद्योग धंधे खड़े नहीं होंगे
तो बैठे बैठे तनख्वाह कब तक देंगे। अभी तो वो जैसे तैसे लोगों का सिस्टम चल गया, इसलिए सरकार की पूरी चिंता थी कि वो उद्योग धंधे फिर खड़े हों, लोग केवल सरकारी राशन पर ही अपना पेट न पाले, वो निहायत गरीब लोगों को मिलता भी रहे पर बाकी के लोग अपने रोजगार को चलाए, अपने काम धंधे पर वापस जाए और लोगों की जेब में फिर से पर्याप्त पैसा आने लगे और देश के जो आर्थिक प्रगति है वो भी धीरे से फिर से बढ़ जाए और पटरी पर आ जाए। ठीक है योगेश यादव जी, धैर्यवर्धन जी यहाँ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी तब तो आपने दामों में कोई कमी नहीं की, किसी तरह की कोई गिरावट हमने उसमें नहीं देखी, और अभी सवाल खड़ा किया जा रहा है, आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। देखिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस समय हमारी यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार, उस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमत क्या थी, कितने बैरल में मिलता था? ये बैरल का जो आंकड़ा आप उस समय संयोजित करेंगे और उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आज जिस तरीके से जो अंतरराष्ट्रीय कीमत है और जिस तरीके से एनडीए की सरकार 80 रुपए के आसपास पेट्रोल डीजल के दाम को लागू कर चुकी है, वो एक तरीके से शोषण है, एक तरीके से जनता की मार है। मैं पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका, नेपाल और हमारे जो लगे हुए अन्य बांग्लादेश, जो बहुत गरीब देश है, जो बहुत जिसको कह सकते हैं परजीवी देश है, जिनको हम कह सकते हैं अत्यंत गरीब देश, उनके हालात आप देखिए, वहां पर भी पेट्रोल डीजल के क्या भाव है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, स्मृति ईरानी जी ने जो ये कहा था 52 रुपए लीटर डीजल पर होने पर कि मैं सड़क पर आकर आंदोलन करूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि उनको देश चलाने का मनमोहन सिंह जी को कोई अधिकार नहीं, मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री जी सड़क पर आइए, स्मृति ईरानी जी सड़क पर आइए, जनता की बात कीजिए। 80 रुपए की आप जब डीजल और पेट्रोल का हम दाम हमसे वसूल कर रहे हैं तो आप बताइए। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, आपने कहा रोजगार की वृद्धि हो रही है, कहां हो रही है? आपने कहा महंगाई कम हो रही है, कहां हो रही है? आपने कहा हमने इतने साधन उपलब्ध करा दिए, कहां? चलिए इस सवाल के साथ में जाऊंगी धैर्यवर्धन जी के पास, लेकिन क्योंकि यहाँ पर दूसरे देशों का भी जिक्र हो रहा है, आपकी जीडीपी बताइए जी, अभी आपने जीडीपी जीरो करके रखी है, जीडीपी जीरो करके रखी है, आप उसमें 0.5 भी वृद्धि हुई है क्या? अभी आपके 20 लाख करोड़ के पैकेज के बाद आपकी वृद्धि में थोड़ा सा भी आप बताइए बढ़ोतरी हुई है क्या? ठीक है, मैं इस सवाल के साथ जाऊंगी योगेश जी। देखिए दूसरे देशों का जिक्र हो रहा है कि वहां पर यह स्थिति है लेकिन भारत में स्थिति है, इसलिए आपका समझना बहुत जरूरी है कि भारत में तेल के दाम आखिर कैसे तय होते हैं। देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बहुत इजीली हम ये समझा रहे हैं। रिफाइनरी में कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल और बाकी पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं, तेल कंपनियां अपना मुनाफा बनाती हैं और पेट्रोल पंप तक तेल पहुंचा देती हैं, पेट्रोल पंप मालिक अपना तयशुदा कमीशन बनाते हैं, ग्राहक केंद्र या राज्य सरकार के लिए एक्साइज ड्यूटी और वेट देकर तेल खरीदते हैं। तो इस तरीके से भारत में जो कंपनियों की तरफ से दाम है वो है, वो तय किए जाते हैं, और किस तरीके से यहाँ पर इन दामों में स्टेप बाय स्टेप बढ़ोतरी होती चली जाती है ये आप समझ रहे हैं। एक बार फिर से हम चर्चा पर लौट रहे हैं। योगेश यादव जी ने कई सवाल खड़े किए हैं धैर्यवर्धन जी, वो ये पूछ रहे हैं कि आपने ये सवाल खड़ा किया कि उनकी सरकार में तो तेल के दाम घटाए नहीं गए, अब वो कुछ और सवाल आपसे भी पूछ रहे हैं जो कि इसी से जुड़े हुए हैं। आप जरा ये बताइए कि आपके शासनकाल में इस पर किस तरीके से विचार किया गया है, और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आप समय समय पर ये कहते रहे हैं और प्रदेश में आपकी सरकार है कि हम तो हर व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, केंद्र में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, आप ये कहते हैं कि हम तो पंक्ति में खड़े हुए लास्ट व्यक्ति के बारे में भी सोचते हैं, उसका हित सोचते हैं, और दूसरी तरफ इस संकट काल में जब जनता आपसे उम्मीद लगाए हुए है आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि हम ये तमाम काम करने हैं, हमारी ये मजबूरी बन गई है, मतलब सरकार ने ही हाथ खड़े कर दिए। रोमिता आप देखिए, कांग्रेस सरकार के 15 महीनों में मध्य प्रदेश में पंच परमेश्वर योजना ठप पड़ी रही, सारे सरपंच सेक्रेटरियों से आप अपने संवाददाताओं से कहिए कि एक रिपोर्ट तैयार कराएं, निर्माण कार्य बंद थे, सीमेंट कंक्रीट की सड़कें पिछली सरकार के जमाने की बात होकर के रह गई थी, शिवराज जी के आने के बाद फिर से निर्णय हुआ है कि गांव गांव में पक्की गलियां बनाई जाएंगी, सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बिछाई जाएंगी, ये संसाधन जुटाए जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि देश को, प्रदेश को पटरी पर लाया जा रहा है। आप आसपास नजर डालिए, जो दुकानें कोरोना काल में बंद हो गई थी वो दुकानें खुल गई हैं, वहां पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, नौकर हैं, वो काम पर लौट आए हैं,
सेठों के हाथ में भी सुबह शाम चाबी खोलकर दुकान की काम धंधा करने लगे, ग्राहक आने लगे, छोटे छोटे निर्माण की इकाइयां थी, विक्रय की एजेंसियां थी, वो सब चालू हो गई है। धीरे धीरे सब व्यवस्था जुटेगी। अभी सच में सरकार की स्थिति ठीक नहीं थी और हम सब जानते हैं कि ये केवल भारत में नहीं हुआ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे हर देश कोरोना के काल में उसकी अर्थव्यवस्था को झटका लगा है। सबकी स्थिति बहुत खराब थी, उन सबसे अगर तुलना करें तो भारत ने तो बहुत साहस पूर्वक इतनी बड़ी विपत्ति को इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में संभाला है। ये इसके लिए साधुवाद के पात्र है और प्रधानमंत्री जी साहब धैर्यवर्धन जी, प्रदेश की सभी सरकारें जी, सारे जी, लोग धैर्यवर्धन जी, जरा ये बताइए मुझे कि जब लोकसभा चुनाव थे और उस दौरान भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो उन्हें फट से आप लोगों ने घटा दिया, उस वक्त चुनाव थे, अभी चुनाव नहीं है इसलिए इस पर विचार नहीं कर पा रहे। मैंने बताया देश में जब अनुकूल परिस्थिति होती है, टैक्स कलेक्शन ठीक होता है, तब उस समय या तो वृद्धि नहीं की जाती है या कुछ कमी कर दी जाती है। ये सब दिन भी आपको देखने को मिलेंगे, पर आज हालात बिल्कुल अलग हैं। आज कांग्रेस मात का बतंगड़ बना रही है, आज कांग्रेस मिशन का षड्यंत्र कर रही है और जनता भी जानती है कि ये विरोध की जो रस्म अदायगी है उसके लिए कांग्रेस अगर कुछ करना चाहे तो करे, हमें आपत्ति भी नहीं है। ये खूब पुतले जला लें, खूब धैर्यवर्धन जी सरकार आपकी और आप कांग्रेस से उम्मीद कर रहे हैं कि वो कुछ कर दे, ये किस तरह की बात है? देश में आपकी सरकार चल रही है और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर इसमें कुछ करना चाहे तो कर दे, सिर्फ सवाल खड़े किए जा रहे हैं पर मेरी एक भी बात का जवाब आपके पास नहीं है। योगेश यादव जी सीधे तौर पर तो कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, ठीक है ठीक है। धैर्यवर्धन योगेश यादव जी यहाँ पर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। योगेश यादव जी सीधे तौर पर जो मैं अब तक समझ पाई हूँ धैर्यवर्धन जी की बातों से, उनका ये कहना है कि परिस्थितियां ऐसी हैं इसलिए इन दामों में इजाफा किया जा रहा है, इसका और कोई रास्ता सरकार के पास नहीं है जिससे कि रेवेन्यू कलेक्ट हो सके। देखिये रोमिता जी, एक व्यवसायिक रैकेट चल रहा है, पर्दे के पीछे सरकार चलाने वाले लोग और कोई है, वो व्यवसायिक लोग हैं और वही इस देश को संचालित कर रहे हैं, लेकिन काले ढंग से संचालित कर रहे हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पेट्रोलियम जो कंपनीज हैं, चाहे वो हिंदुस्तान लिमिटेड हो, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, ये सब हमारे केंद्र सरकार की अधीनस्थ शासकीय अर्धशासकीय संस्थाएं हैं। अब इन संस्थाओं को पृथक वैधानिक अस्तित्व इसलिए इन लोगों ने दे दिया कि सरकार हाथ ऊंचे कर सके कि हम क्या जाने साहब, ये तो पेट्रोलियम कंपनी ने दाव बनाए, जबकि इन कंपनियों पर पूरा का पूरा अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमिका आप सुन लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जनता के सामने तो कहती है भाई पेट्रोलियम कंपनी ने अपने भाव बढ़ाए, लेकिन इसके पीछे जो निजी कंपनियां हैं जो पेट्रोल का धंधा करती है, बिजनेस करती है, जिनके पेट्रोल पंप है, वो एनडीए सरकार के पीछे से चलाने वाले वो रैकेट वाले लोग हैं, वो व्यवसायिक लोग हैं जो कीमत को कम नहीं होने देना चाहते। वो जो हम मांग कर रहे हैं कि 20 रुपए या 30 रुपए की सब्सिडी दे, यदि वो सब्सिडी केंद्र सरकार मान लेती है तो वो प्राइवेट कंपनीज जो एनडीए को लाखों करोड़ों चंदा देती है और काला धन देती है उन पर अंकुश हो जाएगा और उनके दाम घट जाएंगे, वो घाटे में पहुंच जाएंगी। इसलिए वो पेट्रोल कंपनीज को घाटे में ना देने के कारण पेट्रोल पर सब्सिडी केंद्र सरकार अभी तक जारी नहीं कर रही है। ये मेरा एक बहुत गंभीर आरोप है, ये एक चिंतनीय आरोप है, इस पर आप चिंतन कीजिए। इसलिए ये व्यवसायिक सरकार को हट जाना चाहिए, एनडीए सरकार हमारा खून चोस रही है, ये बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूँ आपके चैनल के। धैर्यवर्धन जी लास्ट टिप्पणी आपकी। देखिए मैं तो केवल इतना कहूंगा ये आरोप निराधार है, निराधार इसलिए है कि यदि कोई निजी व्यक्ति अरबों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करके कोई उद्योग धंधा चलाता है तो क्या सरकार उसका गला काट दे? यदि सब्सिडी मिलेगी तो उसको भी मिलेगी, ये कौन सा गलत बात है? मुझे सुनिए मेरी बात योगेश जी सुनिए, गलत बात योगेश जी, यदि एक लीटर पर 20 रुपए की सब्सिडी मिलेगी तो यदि वो IOC को मिलेगी, BHP को उसको मिलेगी, दूसरी कंपनी को सरकार द्वारा पोषित, तो रिलायंस को भी मिलेगी, तो दूसरी और प्राइवेट कंपनी शेल को भी मिलेगी, ये कौन सा गणित है आपका? ये तो बेकार की बात कर रहे हैं। और जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं ना, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को हमने उनके साथ गलबैया करते उनके साथ भी चाय पीते हुए देखा, क्या और मध्य प्रदेश में काम धंधा लगाओ जब आपकी सरकार थी, इतने बेवजू तर्क मत दीजिए। दर्द हमको भी होता अगर महंगाई बढ़ती है, कष्ट भारतीय जनता पार्टी को भी है अगर पेट्रोल पर मूल्य वृद्धि हो रही है, हम भी जनता के हृदय से अपना हृदय के तार जोड़े हुए हैं,
मुझे कष्ट है, संवेदना है, सच में तकलीफ है, पर जब आपातकाल होता है तब सबको त्याग करना होता है और मध्य प्रदेश की और देश की जनता त्याग कर रही है। मैं उनके चरणों में अपना शीश झुका करके उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। चलिए तो कुल मिलाकर बात यही है जी, योगेश यादव जी को जोड़ रहे हैं, लास्ट टिप्पणी योगेश यादव जी, क्योंकि आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है, आप सुन तो रहे हैं कि क्या कुछ तर्क है यहाँ पर सरकार का। देखिए तथ्यात्मक आधार पर नहीं हुआ है, शिगुफ है और भाषण देना भारतीय जनता पार्टी का हमेशा शगल रहा है। तथ्यात्मक आधार पर अभी तक ये नहीं बता पाए हैं कि 80 रुपए का दाम क्यों किया गया, क्यों किया गया। ये जनता हिसाब मांग रही है, जनता सड़क पर हिसाब मांगेगी, चौराहों पर मांगेंगे, और कांग्रेस का प्रतिनिधि जो जनता का प्रतिनिधि है आपसे सड़क पर हिसाब मांगेगा जाएगा, और आप ही के नेताओं के बातों को पुनः दोहराया जाएगा जिन्होंने चीख चीख कर जनता को भ्रमित किया था, जनता को भ्रम के अंदर डाला था। ये समय आ गया बिल्कुल अभी इसी संकट काल में जनता से राहत दी जाए। कांग्रेस की सरकार को सड़क पर लाने वाले दिग्विजय सिंह जी सड़कों पर निकलेंगे या 15 महीने तक बल्लभ भवन से बाहर ना निकलने वाले कमलनाथ जी बाहर निकलेंगे। समय बताएगा कि कौन सड़क पर आएगा, अभी सड़क पर कौन आएगा ये समय बताएगा कि कौन सड़क पर रहेगा। हाँ सड़क, चलिए तो सड़क पर करने की बात की जा रही है, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं उसको लेकर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो देखिए पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर इस वक्त सियासी घमासान भी हो रहा है, एक तरफ रेवेन्यू जनरेट करने का तर्क दिया जा रहा है तो वहीं कांग्रेस की तरफ से इस पूरे ही मसले पर अब आंदोलन की चेतावनी दी गई है। लेकिन इन सबके बीच अगर सबसे ज़्यादा कोई परेशान है, सबसे ज़्यादा जिस पर असर पड़ने वाला है वो है आम जनता, उन्हें कैसे राहत मिलेगी, राजनीतिक दल इसके लिए अगर कुछ सोच पाए तो ये राहत वाली बात होगी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।